यूपी में हो रही जोरदार बारिश के बीच वाराणसी में गंगा नदी उफान पर है। लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण घाटों की सीढ़ियां और संपर्क मार्ग पानी में डूब चुके हैं। काशी के प्रमुख महाश्मशान घाट, मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट भी पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। अंतिम संस्कार के लिए आने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं इस गंभीर स्थिति के बारे में विस्तार से। स्थिति यही है कि पानी का जल स्तर बढ़ गया है। जो यहाँ पे सौदा होता रहा वहाँ से अब सौदा पानी बढ़ने की वजह से ऊपर में हो गया है। अच्छा, जो कि जगह की कमी है, बारी बारी करके लहर चल रही है। गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ने के कारण सबसे पहले घाटों की सीढ़ियां डूब गई। इसके बाद संपर्क मार्ग टूट गए, जिससे लोगों का आना जाना मुश्किल हो गया। अब स्थिति यह है कि मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र महाश्मशान घाट के शवदाह प्लेटफॉर्म पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। यहां अंतिम संस्कार करने के लिए आए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। मणिकर्णिका घाट पर लकड़ी बेचने वाले नितेश यादव बताते हैं कि बीते 2 से 3 दिनों में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। इस बढ़ते जलस्तर ने मणिकर्णिका घाट के शवदाह प्लेटफॉर्म को पानी में समा दिया है। घाट पर जगह कम होने के कारण शव यात्रियों को शव जलाने में बहुत मुश्किल हो रही है। अगर जलस्तर और बढ़ा तो यह आफत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। हरिश्चंद्र घाट पर भी हालात कुछ अलग नहीं है। यहाँ भी जलस्तर बढ़ने के कारण शवदाह प्लेटफॉर्म पानी में डूब चुके हैं। अगर गंगा का जलस्तर और बढ़ता रहा तो जल्द ही यहाँ गलियों में शवदाह करना पड़ेगा। शवदाह करने वाले कालीचरण ने बताया कि बाढ़ के कारण लोगों को शवदाह के लिए 1 से 1.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ रहा है। कम से कम 2 फ्लोर तो डूब गया है, 2 प्लेटफॉर्म, 8 प्लेटफॉर्म डूब गई है। 2 स्टेप का डूब गया, पहला स्टेप ऊपर वाला बचा हुआ है, इसी में लोग जला रहे हैं और ऊपर जलने का है, उसमें भी पानी भर जाता है। पानी बरसने पे तो ऊपर जलता है। ये देखिए कि पंजाबी लोग का इसमें भी पानी भर गया। अभी पानी ज़्यादा भर जाएगा, बढ़ जाएगा तो ऊपर जलेगा, ऊपर जलेगा। ऊपर भी छावनी लगा रहा तो छावनी हट गया है, तो खुले में ही जलेगा, पानी बरसता रहेगा उसमें, खुले में ही जलेगा। केंद्रीय जल आयोग के अनुसार गुरुवार की सुबह गंगा का जलस्तर 63.86 मीटर पर स्थिर था, जो खतरे के निशान से करीब 7 मीटर दूर है। लेकिन अगर बारिश का सिलसिला जारी रहा तो स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। वाराणसी में खतरे का निशान 71.26 मीटर है और चेतावनी बिंदु 70.26 मीटर है। गंगा का उफान न केवल अंतिम संस्कार में परेशानी ला रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों के लिए भी बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। गंगा किनारे बसे लोगों के घरों में पानी घुस चुका है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी असमर्थ हैं और कई स्थानों पर तो बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई है। प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि लोगों को इस समस्या से निजात दिलाई जाए। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जहां लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जायसवाल की रिपोर्ट।